Hi everyone, welcome to an academy. Very good afternoon. I hope मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही है. स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की टॉप 30 टॉपिक सीरीज में. आज की क्लास का टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. क्या है डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी, क्या होती है, सबके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए. वेरी गुड आफ्टरनून. टॉपिक बहुत अच्छा है और आप ही के सजेशन पर मैंने ये टॉपिक चूज किया है. मुझसे काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एक बार आप ट्रांजिशन थ्योरी बता दीजिए डेमोग्राफी से रिलेटेड, तो वही मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ और उसी से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं. तो डेमोग्राफी किसे कहेंगे, ट्रांजिशन किसे कहेंगे और थ्योरी क्या होती है, तीनों को अलग अलग समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, मतलब जनसंख्या एक तरह से. ट्रांजिशन का मतलब होता है कि कब कब जनसंख्या में बदलाव आते हैं, चेंजेस कब आते हैं. और थ्योरी का मीन्स कोई सिद्धांत. इसका मतलब जनसंख्या में जो बदलाव आते हैं उसके सिद्धांतों को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहा जाता है. इसका मतलब जनसंख्या बदलाव अगर एक थ्योरी को फॉलो कर रहा है तो वो एक नेचुरली या बिना किसी रीजन के नहीं है, कोई ना कोई कारण जरूर है जिसकी वजह से डेमोग्राफी में ट्रांजिशन हो रहा है और उसको एज अ थ्योरी में प्रेजेंट किया गया है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के का जो प्रेजेंटेशन है वो 1929 में वॉरेन थॉम्सन ने किया था, जिसमें उन्होंने बेसिकली तीन स्टेजेस के बारे में बताया था कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो तीन स्टेजेस की वजह से होती है. उन्हीं को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ ज्योग्राफर्स ने क्या किया कि उनके बाद में इसमें पांच स्टेजेस जोड़ दी, जबकि वॉरेन थॉम्सन ने सिर्फ तीन स्टेजेस के बारे में बताया था. और मैं भी आपको तीन स्टेजेस के बारे में बताऊंगी, बाकी की जो दो स्टेजेस हैं वो हम एक्स्ट्रा में देखेंगे आज की क्लास में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में. तो जैसा कि मैंने बताया कि वॉरेन थॉम्सन ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था 1929 में, उसके बाद में आपके नॉटेंस्टीन ने 1945 में, और फिर आगे चल के बहुत सारे ज्योग्राफर्स आते गए और वो इस थ्योरी के ऊपर बात करते गए. लेकिन एक सवाल आज भी है कि डेमोग्राफी ट्रांजिशन मींस क्या, किसे कहेंगे हम डेमोग्राफी ट्रांजिशन. तो इसका जो कनेक्टिविटी बन रही है वो इन तीन वर्ड्स के साथ में बन रही है. सबसे पहले तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दूं डेमोग्राफी. डेमोग्राफी को कहा जाता है जनसंख्या या जनसांख्यिकी. जनसांख्यिकी का पता कैसे लगाया जाता है, या बेसिकली बात पूछूं तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहीं किसी जगह की क्या होती है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो कैसे डिस्क्राइब करी जाती है. तो आपको सभी को पता है कि बर्थ रेट एंड जो डेथ रेट होती है उससे आपकी पॉपुलेशन निकाली जाती है. कहीं कहीं माइग्रेशन, मतलब कि प्रवास को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन थॉमसन ने माइग्रेशन को नेग्लेक्ट किया था. तो आप भी माइग्रेशन को इसमें नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम कोर अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट इस चीज को इफेक्ट करती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का आधार था वो था क्या, किस आधार पे इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, क्या वो आधार सोशल था, इकोनॉमिक था, कल्चरल था और आपके पॉलिटिकल था, कैसा आधार था. तो इनका मेन आधार था इकोनॉमिक बेस पे, कि जैसे जैसे लोगों के पास में पैसा रिसोर्सेस आते जाते हैं वैसे वैसे जनसंख्या में परिवर्तन आने लग जाता है. अगर रिसोर्सेस कम है, पैसा कम है, तब जनसंख्या की सिचुएशन कोई और है. रिसोर्सेस पैसा अधिक है तो जनसंख्या की चीजें और है. साथ ही साथ इसमें एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी काम लेते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्होंने फोकस किया था इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर. राइट, ओके. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वॉरेन थॉम्सन 1929, इन्होंने आज के टाइम को देखते हुए, आज के 100 साल पहले इन्होंने ये थ्योरी दी थी और ये 18th सेंचुरी की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मानी जाती है. इस थ्योरी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. एक तो होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, जैसे माल्थस और सेडलर सर की थ्योरी हमने पढ़ चुके हैं. तीन थ्योरीज आपके चलती हैं मेजरली डेमोग्राफी पे, माल्थस, सेडलर्स एंड वॉरेन थॉम्सन. तो माल्थस और सेडलर सर ये बताते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है. ठीक है, जबकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये बताती है कि पॉपुलेशन हर जगह बढ़ने के कुछ नियम होते हैं जो कि नेचुरल है, नैसर्गिक है, होंगे ही. पॉपुलेशन ग्रोथ एक टाइम के बाद में रुकेगी,
डेथ रेट भी एक टाइम के बाद में स्टेबल हो जाएगी। इसके पीछे के रीजंस वो बताते हैं। सो वी शुड नॉट बी रिगार्डेड एज द लो ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बट एज अ जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंचुअली प्रोसेस, कि जो चीज जनरली हो रही है वो क्यों है। जैसे हम बहुत सी चीजों के लिए कह देते हैं कि मैंने तो ये काम ऐसे ही कर दिया था, तो ये जो ऐसे ही चीजें हो रही है ना, वो उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पर्टिकुलर चीज को तो हर कोई बता सकता है। आज मैं आपसे कहूं कि इंडिया की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास में हजार रास्ते हैं बताने के कि इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज में है, इंडिया के अंदर पहले एजुकेशन नहीं थी, तो अभी आप एजुकेशन ना होना, रिसोर्सेस का नहीं होना, लोगों के पास में अपने कल्चर को ज्यादा वैल्यू देना, कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। लेकिन क्यों ग्रोथ कर रही है, पहले क्यों नहीं कर रही थी, अब चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताती है। तो अगर बहुत सिंपल टर्म में बात करूं तो ये थ्योरी स्पेसिफाई करती है जनरल लॉस को जो ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ाने के पीछे जिम्मेदार होते हैं, उसकी साइज को चेंज करने के पीछे जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इनके सामने हमें तीन चार टर्म्स को याद रखना है जो इनकी इस पॉलिसी को, आपको थ्योरी को याद रखने में मदद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है। माइग्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हमें याद रखना है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, दैट मीन्स योर रिसोर्सेस विच यू यूटिलाइज। आप जो भी रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, आज एजुकेशन के लिए इंटरनेट का जरूरी है, तो इंटरनेट इज योर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। इंटरनेट आपका एक यूटिलाइज होने वाला या इंटरनेट आपका एक रिसोर्सेस है। तो एक जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि द थ्योरी पॉस्टुलेट अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ डेमोग्राफिक चेंज फ्रॉम हाई फर्टेलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी टू लो फर्टेलिटी एंड लो मोर्टेलिटी। मतलब ये बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था जिसमें लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती थी, जिस दर से जनसंख्या बढ़ती थी उसी दर से मृत्यु दर भी बढ़ती थी। अब ये बता रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जनसंख्या भी बहुत कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाएगी, उसके बीच की स्टेज में जनसंख्या ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी। तो ऐसे करते ये अपनी कुछ बातों को इसमें बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी थ्योरी टिपिकली किस चीज की बात करती है। तो इनकी थ्योरी ये बोलती है कि कहीं की भी पॉपुलेशन को आप देख लीजिए, तीन स्टेजेस के अंदर उसका प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी थ्योरी है, इजी थ्योरी है, और इससे सवाल एग्जाम में आएगा, कह सकती हूँ इतना मैं मेरे एक्सपीरियंस बेस पे। तो इस थ्योरी के लिए उन्होंने बताया था कि ये एक टिपिकली व्यू थ्योरी है जिसको हम थ्री स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। थ्री स्टेजेस का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि सबसे पहली ये बात करते हैं स्टेज वन की। स्टेज वन का मीन है कि ये एक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। दिस इज दी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब पूर्व औद्योगिक समाज है ये। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और उसमें इनका ये मानना था कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लो एजुकेशन, राइट, लो एजुकेशन, लो रिसोर्सेस। लो एजुकेशन का मतलब हो गया कि लो नॉलेज, लो रिसोर्सेस, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी, राइट, एंड विलेज सोसाइटी। बेसिकली विलेज सोसाइटी एंड कल्चर प्लस सोशल, सोशली एक्टिविटी हाई थी। कल्चर एंड सोशल एक्टिविटी वॉज हाई देयर। अब इमेजिन कीजिए, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आज के आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर को अगर आपने देखा होगा, देखा तो क्या होगा ग्रेट ग्रैंडफादर को, बट कभी उनके मुंह से सुना होगा, तो आपने कई बार अपने पेरेंट्स के मुंह से ऐसा सुना होगा कि मेरे दादाजी, कोई 10 भाई थे, कोई 11 भाई थे, कोई कहता है हम 7 भाई थे, 8 बहनें थे, इसमें से इतने खत्म हो गए थे, फिर हम लोग इतने बचे थे। हुआ होगा आपसे, कब की बात होगी ये, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात होगी, इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस की बात होगी। तो मान लीजिए कि पहले बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा सुनने में आता था कि हम 11 भाई हुए थे या 10 बच्चे हुए थे, जिसमें से 5 खत्म हो गए थे, 5 ही हम बचे थे। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सारे रीजंस की वजह से जो बर्थ रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था। अब बर्थ रेट हाई होने की रीजनिंग क्या थी? रीजनिंग यही थी कि बर्थ रेट वाज वेरी हाई, साथ ही साथ उसकी जो डेथ रेट थी, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी। दोनों ही हाई थे। बर्थ रेट हाई होने का रीजन क्या था? कि लो एजुकेशन, लोगों के पास में कोई कारण नहीं था जनसंख्या को रोकने का। आज हम कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, हम दो, हमारे दो, ये कुछ लोग तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अगर पहले के टाइम पे किसी को कह देते कि भाई एक ही बच्चा करो या दो ही बच्चे करो, तो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि क्यों, और वाकई में उनके पास में भी इस चीज का जवाब नहीं था, क्योंकि उनके पास में प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, उन्हें नहीं पता था कि दुनिया की पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रही है। उनके लिए उस वक्त रहन सहन बहुत आसान था, क्योंकि जनरली खेती करते थे, खेती करते वक्त जो खाने पीने का सामान होता था वो घर से लेते थे, एजुकेशन पे खर्चा नहीं करना होता था, रिसोर्सेस पे खर्चा नहीं करना होता था। जो बच्चे बड़े होते थे वो भी आगे चल के खेती को ही संभाल लेते थे। तो इसका मतलब इंसान का जो एक मेन मोटिव फैक्टर होता है पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो है महंगाई या पैसा। जहां उन्हें लगा कि यहाँ पे ना तो हमारे लिए महंगाई साबित हो रही है ना पैसा साबित हो रहा है, तो उनके सामने कोई मोटिवेशन या कोई ऐसा फैक्टर था ही नहीं कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में उनको सजग करे। तो इस वजह से बर्थ रेट वाज वेरी हाई, कि जो हो रहा है उसे होने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। डेथ रेट हाई इसलिए थी क्योंकि हाइजीन नहीं थी, ना ही कोई इतनी टेक्नोलॉजीज थी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती थी, लोग जैसा चाहते थे वैसा रहते थे, बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे, और उसी के कंपेयर में उनकी डेथ रेट भी बहुत ज्यादा जा रही थी। इस सिचुएशन में आप, अब मैं पूछूं कि आपसे ये जो सिचुएशन थी इसमें क्या हम एनालिसिस करें कि अपनी जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? तो पॉपुलेशन वाज कांस्टेंट, इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट थी, क्योंकि पॉपुलेशन कांस्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इस वक्त मान लीजिए पॉपुलेशन का जो बीच का गैप आता है वो लगभग लगभग ये माना जाता है कि 0.05 का गैप माना जाता था बर्थ रेट और डेथ रेट में। 10 बच्चे पैदा हुए, 10 में से 5 खत्म हो गए, तो आराम से आपकी कहां वो 10 के 10 जिंदा रहते, पॉपुलेशन बढ़ती, लेकिन 10 के आधे ही रह गए हैं, तो इसका मतलब वो 5 लोग कभी थे ही नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर पॉपुलेशन जो थी वो कांस्टेंट रहती है, इंक्रीज नहीं होती है। ओके, सो दिस इट वाज द फर्स्ट स्टेज, इट इज कॉल्ड प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा रहती है। बर्थ रेट ज्यादा होने का रीजन ये था कि लोगों के पास में मोटिवेशन नहीं था, रीजन नहीं था पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। साथ ही साथ अगर वो अपनी खुद पे लेके देखते कि मेरे 10 बच्चे हैं, तो 11वां मान लीजिए कि किसी के ऑलरेडी 5 बच्चे, और वो कहता है कि मेरा छठा बच्चा होने वाला है, तो उसके पास में क्वेश्चन मार्क नहीं था कि मैं उसको एजुकेशन कैसे दूंगा, मैं उसको रिसोर्सेस कैसे दूंगा, मैं उसको हायर स्टडीज के लिए कैसे भेजूंगा, नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जैसे और बच्चे काम कर रहे हैं वैसे ये भी कर लेगा, तो जो एडिशनल चाइल्ड का जो फोर्स था या जो बर्डन था वो इनके ऊपर नहीं पड़ता था। तो जब भी हर तरह से फ्री था आदमी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इसके बारे में हमने बात करी, इट वाज आवर फर्स्ट स्टेज। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकेंड स्टेज में, कि सेकेंड स्टेज क्या कहती है। तो स्टेज सेकेंड, अब स्टेज सेकेंड तक आते आते क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। मतलब ये कि अब लोगों के पास में फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, मतलब अब इंडस्ट्रीज आने लग गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। इसके कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला तो ये कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही थी। इसी के साथ में लोगों को जो लैंड था, लैंड प्लस एग्रीकल्चर, कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज के तहत वो भी लोगों को किफायती दरों पे मिलने लग गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लगा था, कुछ चेंजेस फिर से आने स्टार्ट हो गए थे, कि अब जो बर्थ रेट था, बर्थ रेट अपना उसी स्पीड से चालू था, बर्थ रेट वाज हाई, लेकिन जो डेथ रेट था, डेथ रेट में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, डेथ रेट लो होने लग गई थी। क्यों? और इस सिचुएशन में क्या होने लगता है, इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ये स्टेज आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी? क्योंकि बर्थ रेट हाई जा रही थी और डेथ रेट लो जा रही थी, तो जो गैप था ना वो इंक्रीज होता जा रहा था। कहाँ वो कांस्टेंट चलता, अब वो गैप इंक्रीज होता जा रहा था। अब बर्थ रेट हाई की हाई क्यों रही? इसलिए रही क्योंकि सुविधा तो लोगों को मिलने लग गई थी,
कि ठीक है, जो डेथ रेट का रीजन था, बर्थ रेट तो अपनी स्पीड से चली रही थी, अभी तक भी लोगों के पास में एजुकेशन नहीं आई है, लोगों के पास में रीजन नहीं आया है, लोगों के पास में सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज आई हैं। इसका मतलब जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो होने दो, लेकिन जो मर रहा है उसको जरूर बचा लो। तो इसका मतलब जो डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन बैलेंस में थी उसका बैलेंस बिगड़ गया। डेथ रेट जैसे ही कम हुई, बर्थ रेट क्योंकि हाई थी अपनी, क्योंकि सुविधाएं लोगों के पास में आने लग गई थी, और जो बर्डन ऑफ एडिशनल चाइल्ड था वो कुछ नहीं था अभी भी। तो इसको हम कहेंगे हमारी सेकेंड स्टेज, जिसमें हम हाई एंड लो में चलेंगे। अब बात करें कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया की स्टेज कौन सी है, तो इंडिया आज की डेट में अपनी इसी स्टेज के अंदर है। इंडिया अभी अपनी सेकेंड स्टेज के अंदर चल रहा है, क्योंकि ये जो स्टेज आती है ये आती है डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री की ये विशेषता है और इंडिया अभी सेकेंड स्टेज में है। इट इज द थर्ड सेकेंड स्टेज। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज की, जिसे हम कहेंगे थर्ड स्टेज, स्टेज थर्ड। इसमें क्या होने लग गया था, इस स्टेज तक आते आते एजुकेशन आ गई थी लोगों के पास में, थोड़ा थोड़ा सा एजुकेशन में लोग थोड़ा बिलीव करने लग गए थे। साथ ही साथ जो अर्बन लैंड था, अर्बन लैंड में कमी आने लग गई थी, रेट्स चीजों की हाई होने लग गई थी, रिसोर्सेस की लड़ाई होने लग गई थी, रिसोर्सेस की लड़ाई होने लगी थी। तो एजुकेशन, अर्बन लैंड, रेट्स एंड रिसोर्सेस, ये चार रीजन आते हैं। इस सिचुएशन में होने ये लगा कि एजुकेशन का तो बोलबाला आ ही गया था, अब जो बर्डन था बच्चों का, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, अब वो पहले की तरह नहीं रह रही थी। जैसे आज के 100 साल पहले लोग जैसा रहते थे, आज हमारे जितना एक दिन का खर्चा है, शायद वो उससे ज्यादा में अपना, उससे भी कम में अपना महीना निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं कम थी, नेसेसिटी को ही वो फुलफिल करते थे, वो ना तो अपने कंफर्ट को देखते थे ना ही वो लग्जरी को देखते थे। आज के टाइम में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, लोगों के पास में रिसोर्सेज आए, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी, तीन चीजें इंक्रीज हो गई हैं, राइट? तो इन्हीं तीन चीजों के इंक्रीज होने के बाद में जो बर्थ रेट थी, लोगों को अब वो जो बर्डन ऑफ एडिशनल चाइल्ड था वो फील होने लग गया था। अब वो उसी रेट में अपने सारे बच्चों का फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि बर्थ रेट जो थी उसमें अब कमी आने लगी, डेथ रेट में ऑलरेडी कमी आ रही थी, तो इस सिचुएशन तक आते आते बर्थ रेट क्या होने लगी, डाउन होने लगी, और जो डेथ रेट थी, डेथ रेट भी डाउन होने लगी। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, क्योंकि एक्सप्लोजन तो चल ही रहा था, जो पॉपुलेशन ऑलरेडी आ चुकी है वो तो चली गई, और ये मेजरली डेवलप्ड कंट्री की निशानी होती है। ठीक है मैम, इनके ईयर भी बताओगे कब से कब तक होती है, कौन सी स्टेज? देखिए ये वर्ल्ड वाइड डिपेंड करता है। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी अपनी सेकेंड स्टेज में चल रहा है इस वक्त भी। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए जो स्टेजेस थी वो उसकी फर्स्ट स्टेज में था इंडिया की, जहां पे पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही थी और डेथ रेट भी रैपिडली थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, या आफ्टर जिसको मैं कहूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में पॉपुलेशन में बदलाव आने स्टार्ट हुए हैं। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो उस स्पीड से नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया जब आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक इंडिया की पॉपुलेशन में भयंकर उछाल आया है। 2001 की जनगणना में इंडिया की पॉपुलेशन 102 करोड़ थी, 2011 में वो 125 करोड़ हो गई है, 121 करोड़ हो गई, और अभी 2021 की जनगणना के अंदर वो 135 करोड़ हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ग्रोथ का परसेंट कम आ रहा है लेकिन विस्तार ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया सेकेंड स्टेज में जा रहे हैं, डेथ रेट में कमी आ रही है मेडिकल सुविधाओं की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी बेसिकली तीन स्टेजेस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो अगर इन तीनों स्टेजेस को मैं कंबाइन करूँ, तो स्टेज वन में क्या था, बर्थ रेट भी हाई थी एंड डेथ रेट भी हाई थी। स्टेज टू में चलते हैं तो बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट क्या हो गई थी, लो हो गई थी। और स्टेज थ्री तक आते आते बर्थ रेट लो थी और डेथ रेट भी लो थी। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, इसके लिए इन्होंने सहारा लिया है बर्थ रेट का एंड डेथ रेट का। ठीक है, इन्होंने इसमें माइग्रेशन को फॉलो नहीं किया था, याद रखना, माइग्रेशन को फॉलो नहीं किया गया था इनके द्वारा। 1929 में वॉरेन थॉम्सन की ये थ्योरी हमें बताती है। इससे रिलेटेड अब आपको एक डायग्राम को समझने की जरूरत है, चलिए उसको थोड़ा सा हम अच्छे से कर लेते हैं। मैं यहाँ पे, हमने अभी तक की क्लास में तीन पॉइंट्स को पढ़ा था, कौन कौन सा, एक तो पॉपुलेशन, ठीक है,
एक बर्थ रेट और एक डेथ रेट, राइट? देखिए, पॉपुलेशन के लिए मैं ये यूज कर रही हूं ग्रीन कलर, ठीक है? बर्थ रेट के लिए, मैंने यूज किया है ब्लू कलर, और डेथ रेट के लिए मैं यूज कर रही हूं रेड कलर, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इनिशियली हमने क्या वर्क किया था, हमने इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड किया था, तो अब हम सबसे पहले इसको तीन स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेज वन एंड स्टेज टू, तो दिस इज द स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। दिख रही है आपको स्टेज थ्री? दिख रही होगी। अब मान लीजिए कि स्टेज वन में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कैसी है? सबसे पहले बर्थ रेट की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन तो नीचे आई। देखो, स्टेज वन में हमने क्या बोला था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या थी, हाई थी। तो यहां पे आ गई है आपकी बर्थ रेट, ठीक है, यहां पे आ गई है आपकी डेथ रेट, और इस जगह पे आपकी आ गई है पॉपुलेशन। यहां पे है आपकी पॉपुलेशन। आई बात समझ में? स्टेज वन पॉपुलेशन, सॉरी, दिस इज द पॉपुलेशन, डेथ रेट एंड बर्थ रेट तीनों ही क्या थी, कांस्टेंट थी। पॉपुलेशन ग्रोथ कम थी, क्योंकि जिस अनुपात में बर्थ रेट बढ़ रही थी उसी अनुपात में डेथ रेट भी बढ़ रही थी, और इन दोनों के जो बीच का गैप था वो 0.05 से भी कम का माना जाता है। लाइक एवरीथिंग वाज वेरी ओके व्हेन इट्स एंटर्ड इन सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज पे जब एंटर्ड किया जाता है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो बर्थ रेट थी उसमें क्या आता है, डेथ रेट में क्या आता है, एक साथ डाउनफॉल आता है। डेथ रेट में डाउनफॉल आता है, चलो ठीक है, डाउनफॉल आ गया डेथ रेट में। डेथ रेट में जैसे ही डाउनफॉल आता है, बर्थ रेट अपने अकॉर्डिंग चलती रहती है। बर्थ रेट तो वो जिस अकॉर्डिंग अपने चल रही थी उसी अकॉर्डिंग बर्थ रेट चलती रहती है, ठीक है? बर्थ रेट में एक टाइम के बाद में डाउनफॉल आना स्टार्ट होता है, और जो पॉपुलेशन थी, स्टेज सेकेंड वॉज दी एक्सप्लोजन। स्टेज सेकेंड क्या था? एक्सप्लोजन था पॉपुलेशन का। आई बात समझ में? ठीक है। और देखिए, फिर जैसे ही सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, बर्थ रेट क्या हो जाती है, डेथ रेट कांस्टेंट हो जाती है। बर्थ रेट पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, और बर्थ रेट क्या हो जाती है, बर्थ रेट भी आपकी कांस्टेंट हो जाती है, राइट? अब इसको समझिए, ये तो अभी तक हमने बनाना था जो बना दिया है, इसको सिर्फ समझने का काम करना अपने को। यहां पे आप देखेंगे कि स्टेज वन में बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई और पॉपुलेशन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यहां तक का समझ में आ गया? सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज को एक बार मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अब देखिए, सेकेंड स्टेज में जैसे जैसे एक मिनट, बर्थ रेट डेथ रेट, चलो थोड़ा बना तो है, ठीक है, चलिए स्टेज वन
सारी मेहनत ही बेकार हो गई. स्टेज टू एंड स्टेज थ्री, राइट. स्टेज वन इज रिप्रेजेंट बर्थ रेट, सॉरी, रेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग बर्थ रेट, ब्लू लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डेथ रेट, एंड ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन. करेक्ट. अब देखिए क्या क्या यहाँ पे हो रहा है. सबसे पहले इस कर्व को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है तो पॉपुलेशन इज वेरी कॉन्स्टेंट, पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट चल रही है क्योंकि दोनों हाई है. जब जैसे ही सेकेंड स्टेज में एंटर्ड आता है तो डेथ रेट में एक साथ डाउनफॉल आता है. ठीक है, डेथ रेट में क्या, डेथ रेट में क्या आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, और बर्थ रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो डेथ रेट में डाउनफॉल आना, डेथ रेट में डाउनफॉल आना और बर्थ रेट का इंक्रीज होना, तो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं बीच में जो मैंने बनाया है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और ये इंडिकेट करता है एक साथ किसको, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को ये इंडिकेट करता है, राइट. इसके बाद में जैसे ही आता है, तो जैसा जरूरी थोड़ी है कि जैसे ही थर्ड स्टेज आएगी लोगों के अंदर अवेयरनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, थर्ड स्टेज के अंदर तो पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट होगी. इसका मतलब यह है कि लोगों में अवेयरनेस इस चीज को लेके पहले आएगी. तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, यहां तक तो ठीक है. अब बीच में ये जो डाउनफॉल आ रहा है फिर से ये जगह, तो इस दौरान क्या होने लग रहा है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना जरूरी है. एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, दे आर ट्राइंग, राइट, स्टिल दे आर ट्राइंग. आफ्टर इट, जब हम थर्ड स्टेज में जाते हैं तो आप देखेंगे कि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज है. बर्थ रेट आ चुकी है बिल्कुल नीचे, बिल्कुल डाउनफॉल आ चुका है बर्थ रेट का, बीआर आ चुकी है नीचे, डेथ रेट चल रही है उसके ऊपर, और जो पॉपुलेशन है जो कि फर्स्ट स्टेज में कहाँ थी, सबसे नीचे हुआ करती थी, वो अब पहुंच चुकी है ऊपर. आई बात समझ में? यही है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. ये तो मैंने आपको सिंपल सी चीज समझा के बताई है. अब देखिए प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, हाई एंड फ्लक्चुएटिंग बर्थ रेट. फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट, सेकेंड में हाई डेथ, फर्स्ट में हाई डेथ रेट, सेकेंड में लो बर्थ हाई डेथ, थर्ड में दोनों ही डिक्रीज होती है. इसको आप कुछ इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया था. इसके अंदर क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फोर्थ एंड फिफ्थ भी आता है, बट हम फोर्थ एंड फिफ्थ में इतना नहीं जाएंगे. ये देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है और टोटल पॉपुलेशन भी कम है. ठीक है, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई. जैसे ही सेकेंड स्टेज पे चलते हैं, डेथ रेट में कमी आने की वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये इंक्रीज कर जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इस वजह से जो पॉपुलेशन का ग्राफ है वो भी ऊंचा हो जाता है. थर्ड स्टेज जब आती है तो डेथ रेट तो अपने आप में लो थी ही, अब जो बर्थ रेट है वो भी लो होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें भी क्या आने लगता है, डाउनफॉल आने लगता है. तो ये जो तीन स्टेजेस हैं ये तो थॉमसन ने बताई थी. फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि फोर्थ थर्ड स्टेज कुछ विज्ञानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, कि थर्ड स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट लो नहीं आती है, लो होने की शुरुआत होती है. फोर्थ में वो कंपैरेटिवली लो आ जाती है और फिफ्थ के अंदर तो वो बर्थ रेट कंपैरेटिवली बहुत लो हो जाती है और डेथ रेट लो रहती है, इंक्रीज नहीं होता है. अब कई बार हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, तो इंडिया भी अपनी सेकेंड स्टेज में है कि डेथ रेट कम है बर्थ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन का जो नेचुरल इंक्रीमेंट है ना वो बहुत ही रैपिड स्पीड से होगा. ठीक है, बहुत ही रैपिड स्पीड से होगा. अब इसका रीजन क्या है बर्थ रेट में चेंज आने का, मैनी चिल्ड्रंस डाई एट एन अर्ली एज, रिलीजियस सोशल इंकरेजमेंट, नो फैमिली प्लानिंग. रिलीजियस इंक्रीमेंट मेन फंडा है पॉपुलेशन को ग्रोथ करने का. रिलीजियस देख लीजिए या सोशल देख लीजिए, कोई एक आदमी है, उस आदमी की दो डॉटर्स हैं, दो बेटियां हैं, वो खुश है अपनी लाइफ में, लेकिन सोसाइटी खुश नहीं है उसकी लाइफ से. आदमी जिसकी लाइफ है वो खुश है अपनी लाइफ से दो बेटियों के साथ में, बट सोसाइटी इज नॉट हैप्पी कि उसकी दो ही बेटी है. सोसाइटी उसको फोर्स करती है कि एटलीस्ट तुम्हारा एक बेटा होना चाहिए. उसके चक्कर में अगर उसके थर्ड डॉटर भी हो जाती है तब भी सोसाइटी फोर्स करती है कि नहीं अभी तुम एक और कर लो कि तुम्हारे एक बेटा तो हो जाए. मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि आठ आठ दस दस लड़कियां मैंने देखी है. क्यों? जस्ट बिकॉज फॉर अ सन. तो ये जो सोशल फैक्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले कर रहा है इंडिया के अंदर इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. रिलीजियस फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जो और एजुकेशन और इकोनॉमिक का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी कि लोग इन चीजों को समझे, क्योंकि
क्योंकि लोग अपने सोशियो और अपने कल्चरल वैल्यूज को लेके बहुत ज्यादा रिजिड है, रैशनल नहीं है, बहुत ज्यादा रिजिड है। तो ये आपके सामने थी फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हाई स्टेशनरी, सेकंड को बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग फिफ्थ इज अ वेरी डिक्लाइनिंग स्टेज, जिसमें नेचुरल रेट से भी वो डाउन चली जाती है। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि जर्मनी, जर्मनी की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जो एक नेचुरली होनी चाहिए थी, वो उससे भी डाउन में है। तो इसका मतलब ये एक डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर है। जापान, यूके, फ्रांस, वहां पे मॉडरेट चल रहा है। मेनली ब्राजील को देखा जाए तो वहां पे डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया पॉपुलेशन में। इंडिया, केन्या, इजिप्ट इसका एग्जाम्पल है। और जो अगर अपन बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में कौन है, तो हर वो कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट जीरो है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। अब जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे हमारी अप्रोच भी नहीं है। तो बहुत सारे रिमोट ग्रुप्स ऐसे हो सकते हैं। रिमोट ग्रुप्स में मैं बोलूँ आपको कि साउथ मिड अफ्रीका के बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे कि मॉरिटेनिया है। मॉरिटेनिया सब सहारा डेजर्ट में आने वाली एक कंट्री है। वहां की पॉपुलेशन ऑल्दो कम है, लेकिन पॉपुलेशन एंड डेथ रेट दोनों सिमिलर है। तो वो एक फर्स्ट स्टेज में है। बेसिकली रिमोट ग्रुप्स को हम इसमें शामिल करते हैं। आई होप क्लियर है। ये मैंने आपको समझा तो सारा दिया है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये सब आपको मिलेगा पीडीएफ टेलीग्राम पे। रिलेटिव चीजें मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी है। ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल पॉपुलेशन, स्टेबल स्टेज कब आती है, डेवलप्ड किसको कब कहा जाता है। मेजरली डेवलप्ड कब तब कहा जाता है जब वो अपनी फोर्थ स्टेज में आ जाता है। लेकिन थॉमसन सर ने माइग्रेशन और थर्ड फोर्थ की बात नहीं की थी, थर्ड फोर्थ आगे चल के लोगों ने बताया था। अब बात ये आती है कि क्या इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि जो थ्योरी है, ये इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन पे है या फिर एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेस्ड है। कि अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। इंपेरिकल का मतलब होता है कि अनुभव के आधार पे लोग कह रहे हैं, अनुभव सही हो हमेशा सही नहीं है। सेकेंडरी, इसके अंदर जो इट इज नीदर प्रिडिक्टिव और इट इज स्टेजेस आर सेगमेंटल एंड इनविटेबल। थर्ड इज, मैन का जो रोल है वो एक इसमें अंडररेट किया गया है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन विच कैन अरेस्ट द रेट ऑफ मोर्टैलिटी। फॉर्चुनली नाइदर डज इट प्रूव अ फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन, नॉर डज इट आइडेंटिफाई द क्रूशियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। इट डज नॉट प्रोवाइड अ टाइम फ्रेम फॉर अ कंट्री टू मूव ऑन वन स्टेज टू अनादर। मुझसे अभी क्लास में भी किसी ने सवाल पूछा था कि मैम टाइम बताइए, तो मैंने आपको बताया था कि टाइम जैसा कुछ नहीं है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इंडिया का भी टाइम अपन ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे लेते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेज में था, या ब्रिटिशर्स के आने के पहले फर्स्ट स्टेज में था, अभी इंडिया सेकंड स्टेज में चल रहा है। तो क्योंकि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है, तो इस वजह से इसका कोई टाइम फेज नहीं बताया है। माल्थस सर ने टाइम बता दिया था। अगर उनकी लॉ ऑफ पॉपुलेशन को देखें, तो उन्होंने बोला था कि एवरी 25 ईयर। तो एक डेटा दिया था उन्होंने, ऑल्दो डेटा गलत था, पर डेटा दिया था। इन्होंने डेटा नहीं दिया। साथ ही साथ ये एक इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस अनप्रिटेंडेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन ड्यू टू द ड्रास्टिक डिक्लाइन इन डेथ रेट। सो देर आर सम प्रॉब्लम्स, बट हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थी, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और जो स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले तो आज रात को संकल्प JRF की मेरी क्लास है, रात को 8 बजे, उसमें ज्वाइन करना। और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। माइग्रेशन अगर समझ में आ गया ना, तो पुल पुश फैक्टर सारे समझ में आ जाएंगे। कैसे कैसे कौन से टाइप के माइग्रेशंस हैं, सब समझ में आ जाएंगे, जो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आपको मैं बता दूं, संकल्प JRF की हमारी क्लास होने वाली है, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस, 40 कॉन्सेप्ट, रात को 8 बजे। तो 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, आप में से जो भी साथी मेरे साथ में जुड़ना चाहें, मेरी प्रोफाइल से जुड़ जाओ। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लासेस हो रही हैं, अगर आप नहीं ले रहे हो तो लीजिए। लेने के लिए आपको अनलॉक कोड, अनलॉक कराने के लिए कोड लगाना है UGC10। जैसा मैंने बताया, मेरी प्रोफाइल है, तो ये है मेरी प्रोफाइल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। ओके, इसी के साथ में अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और अभी दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का। तो आप चाहें तो UGC10 रेफरल कोड लगा के 20% ऑफ आप अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पे पा सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो 16,000 प्राइस है, पर अभी UGC10 कोड लगा के आपको 12,000 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए। और हाँ, आप सक्सेस नेट JRF मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको आज की क्लास का PDF मिल जाएगा, तो वहां भी आप सीधा मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। होपफुली यू लाइक द सेशन।
अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।